संग्रह और त्याग ये दोनों मन से हो तो उचित, केवल तन से हो रहे हैं तो ये उचित नहीं है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास में पारसमणि थी और पारसमणि का तो काम सब जानते हैं, लोहे को छुपा दो तो सोना बन जाती। लेकिन पारसमणि होने के बाद भी वो सब कुछ था उनके पास, होने पहले वो अत्यंत दरिद्र थे, पर बाद में उनको पारसमणि मिल गई, पारसमणि से उनके पास सब कुछ हो गया, पर उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने शिव आराधना की और शिव आराधना करके भी कहा कि हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी भी नहीं हूं, मेरा एक प्रश्न है, बस उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि मेरे पास संसार की हर वस्तु है, पारसमणि ने मुझको सब कुछ दे दिया, सब कुछ है मेरे पास, घर परिवार धन संपत्ति, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं है? सब कुछ मिलने के बाद भी मैं शांत अशांत क्यों हूं? जब कुछ नहीं था, दरिद्र था, तब भी अशांत था, और आज सब कुछ मिल गया है तब भी मैं अशांत हूं, इसका कारण क्या है? तब महादेव ने आकाशवाणी से एक शब्द उनको कहा और कहा कि तुम्हारे पास दो वस्तुओं की कमी है, एक तो सदमार्ग दिखाने वाले गुरु। क्यों? क्योंकि तुम मणि पाकर के अब तुम राजा की तरह रहते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और ये बात सदैव याद रखना, जब तक आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप स्वच्छंद हो जाओगे तो निश्चित है अपना नाश स्वयं करोगे। इसलिए सदैव कोई ना कोई आपके ऊपर होना चाहिए जो आपको भी रोके, आपके ऊपर भी अतिक्रमण रखे अपना। तो तुम्हारे गुरु नहीं है, पारसमणि पाकर के तुमको लगता है तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी करने के भाव के लिए तुम सहजता से सब कर भी लेते हो, किसी का अतिक्रमण नहीं होता, किसी कोई तुमको रोकता नहीं है, इस वजह से तुम कई बार गलत कर्म भी करते हो, इसलिए तुम्हारा मन शांत रहता है। दूसरा बात, तुम्हारे चित्त में प्रेम नहीं है, तुम्हारे चित्त में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है। और प्रेम जब आता है ना तो त्याग सिखाता है, गुरु जब जीवन में आएंगे तो वो प्रेम सिखाएंगे, इसलिए तुम सदगुरु ढूंढो अपना, सदगुरु जीवन में आ जाएंगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। महादेव ने आज्ञा कर दी। उसने पूछा, बोले महाराज सदगुरु कहां मिलेंगे? बोले सदगुरु की एक ही पहचान समझो, किसी दिव्य भूमि पर जाओ, दिव्य तीर्थ में जाओ, दिव्य स्थान पर जाओ और अपनी मणि किसी को प्रदान करने की भावना रखना कि मैं अपनी मणि दान करना चाहता हूं। जो इसको अस्वीकार कर दे वही तुम्हारा गुरु है, जो इसको लेने से मना कर दे वही तुम्हारे गुरु हैं। वो व्यक्ति निकल पड़ा महाराज, और संभवतः वो वृंदावन ही आ गया, और वृंदावन में उसने जितने भी आचार्य थे सबको मणि देने का प्रयास किया, सबके चरणों में मणि अर्पित की। अब तो मणि देख करके तो महाराज उसके लिए खीर बनाई जा रही है, पूड़ियां बनवा में 56, अरे आओ आओ बैठो सेठ जी, बैठ बराजो, आप कहां जा रहे हो, यहीं रहो, सब बढ़िया इनकी व्यवस्था करो भैया। हाँ तो मणि कब नाम करोगे हमारे? जैसे ये लोभ वृत्ति उनकी दिखाई देती, वो समझ जाती है ये गुरु नहीं है। सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने सब जगह लोभ देखा। तभी एक दिन वे निधिवन राज पहुंचे और वहां पर स्वामी श्री हरदास जी का उनको दर्शन हुआ, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में जाकर के वंदन किया, वंदन करते हुए उस मणि को अर्पित किया। और मणि को देखते ही स्वामी जी बोले, भैया जे कहा दे रहा हूं मैं। बोले स्वामी जी, आपकी सेवा, बिहारी जी की सेवा के लिए कुछ सेवा का भाव है, आप स्वीकार करो। बोले जितनी जल्दी तेने अपनी जेब से निकाल के जे नीचे धरी है ना, उतनी जल्दी आगू वापस जेब में धर ले अपनी, और मुंह को दिखाइयो भी मत। अरे तू कहा पारस मणि दिखावे, मेरे पास तो त्रिलोक की मणि बैठी है, साक्षात बिहारी जी बैठे हैं, इनके आगे कौन सी मणि मांगू मैं तोते? अरे मोह मत दिखावे, ले जाए आपको। आहा, स्वामी जी के भाव सुनते ही वो तो समझ गया, बोलो ओहो गुरुदेव मिल गए मुझे, मेरे गुरु प्राप्त हो गए, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वस्व।
स्वामी जी की शरणागत हो गया। स्वामी जी की शरण में जाते उसने कहा मुझे आप शरण ग्रहण करो। बोले एक शर्त पर करूंगा। बोले कहा, बोले जो मणि है ना तेरी, याकू जमुना जी में फेंकिया, याकू यमुना जी में फेंके आएगा तो मैं तो को अपनो शरणागत बना लूंगा। उस व्यक्ति ने पहले तो उसको थोड़ा संकोच सा हुआ कैसे करें, लेकिन उसने मन में विचार किया महादेव ने आज्ञा करी, मैं इतने प्रयास करके आ गया हूं, अब गुरु मिल गए तो मान लेता हूं बात, और मणि से वैसे भी कौन सा सुख, सब तो मिल गया मुझे, अब तो चित्त की शांति चाहिए, वो मणि से मिल नहीं रही है तो गुरुदेव की आज्ञा मान के फेंक देता हूं। और उसने जाके यमुना जी में मणि को फेंक दिया, अर्पित कर दिया श्री यमुना जी को। स्नान करके आया, स्वामी जी ने उसको दीक्षा प्रदान कर दी। परंतु कुछ समय बाद उसके मन में वो व्यथित रहने लगा, वो दुखी रहने लगा, ना उसको भोजन भाता था, ना उसको शयन नींद आती थी, वो सदैव चिंता सी में रहता था, और चिंता उसको एक ही बात की रहती थी, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ऐसा कर लेता। मतलब तन से तो छोड़ दी पर मन से नहीं छोड़ पाया, और इसलिए शरणागत होने के बाद भी, गुरुजन के मिलने के बाद भी वो अशांत था। स्वामी जी के चरणों में एक दिन बैठा था, स्वामी जी महाराज ने उसके मुखमंडल को देख करके समझ गए, बोले इसके मन का भाव क्या है। स्वामी जी ने तुरंत वहीं निधवन राज की रज उठाई और रज उठा करके उसकी ओर जैसे ही फेंकी, उठाई थी तो रजती, फेंकते ही वो सारी मणियां बन गई। बोले ले ये सबरी पारस मणि है और इन सब पारस मणियों में एक मणि तेरी है, उठा ले कौन सी है तेरी, तुझको याद होगा ना। यह देखते ही उसका चित्त जो है वो अत्यंत, उसको ग्लानि होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया, ऐसे गुरु समर्थ के चरणों में आकर के भी मैंने तन से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया, इसीलिए अशांत हूं। चरणों में गिर के खूब रोया। बोले स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। बोले देख इस संसार के विषय तन से छोड़ने बड़े आसान हो मैं, पर मन ते इनको जब त्याग किया जाए ना तभी बिहारी जी स्वीकार करें, ऐसे तो घनेरे घूम रहे हैं जिनने अपने शरीर से सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु वास्तविक तो वो है बिहारी जी तो वाकु स्वीकार करें जो मन से त्याग करे। आज के बाद या कुछ चित्तवृत्ति में आने मत दियो और देखियो तो को बिहारी जी दर्शन देंगे। बस स्वामी जी की वो बात सुनकर के वो जो था व्यक्ति उसने मन से त्याग कर दिया, अब तो वो सदा श्री बिहारी जी। और एक दिन ऐसा हुआ कि श्री निधिवन राज में साक्षात प्रत्यक्ष चलते फिरते श्री बिहारी जी के उसको दर्शन हो गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। तो संग्रह और त्याग ये शरीर से करना बहुत आसान होता है, इनको मन से करो। और एक बात कहें, मन से यदि किसी का त्याग है और शरीर से भली उसका संग हो रहा हो तब भी संग दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से तो त्याग है ना, मन से तो त्याग है ना उसका, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो मन से त्याग हो। भगवान कपिल